अभी तक भी थ्रेड्स डाउनलोड नहीं किया है और उस पर आईडी नहीं बनाई है तो कॉन्ग्रेचुलेशन। ओवरऑल यम्मी इन माय टमी, मजा आ गया। पानी उड़ रहा है, वाओ, आई मीन वाओ। हेलो डियर कॉमरेड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ लॉस्ट गर्ल। और आज लाइफ ऑफ लॉस्ट गर्ल की सवारी जारी है, जा रही है वैसे तो घूमने लॉन्ग ड्राइव पे बारिश में, एक और अपना सपना पूरा करने के लिए। सो कम विद मी फॉर माय डे आउट एंड नाइट लॉन्ग ड्राइव और आई विल शो यू कि आज वेदर कितना अच्छा है। और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ, ये बिकॉज आई एम गोइंग टू हरियाणा, ये गाइस। तो ये है रामू और इसको हम आम देने वाले थे। हाय रामू, हाय, आम दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, बीबी को आम दे दो। तो गाइस रामू को खाना खिला दिया, खाना मतलब हम लोग मैंगो लेकर आए थे बट हम उसको खा नहीं पाए बिकॉज ऑफ उसका टेस्ट अच्छा नहीं था। तो अब हमने वो और आम काट के लेकर आया और मैंने वो अपने रामू को खिला दिया। ऑफिस से आते जाते मैं देखता हूँ इस रामू को यहाँ बंधा हुआ, तो एक दो बार मैंने इससे बात की तो अब जो है अब मेरे पास कुछ ऐसे खाने पीने की चीज़ें बचती है ना तो मैं इसको दे देता हूँ। यस, और इसका नाम मैंने रामू रख दिया है, मैंने ही नामकरण किया है इसका रामू। तो अभी हम पेट्रोल डलवाने के लिए रुके हैं अपनी गाड़ी में बिकॉज पेट्रोल गाड़ी का खाना है, जब तक वो नहीं खाएगी तब तक उसमें एनर्जी नहीं आएगी, तब तक वो हमें हमारी जगह पर नहीं पहुंचा पाएगी। सो दैट्स व्हाई। और ये देखो मैंने नेल पेंट्स कार में बैठे बैठे लगाई है, हाउ टैलेंटेड आई एम, ये सो मैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, कार में बैठे बैठे मैं नेल पेंट अप्लाई कर लेता हूँ। तो सुबह सुबह अच्छा लगता है। और पता है सावन का महीना चल रहा है तो कावड़ वाले इतने ज़्यादा आ रहे हैं, तो इतना अच्छा लग रहा है सुबह सुबह उन्हें देख के, और जगह जगह पर झंडे लगे हुए हैं इंडिया के, स्पेशली तो इंडिया के झंडे लगे हुए हैं ऊपर से भगवान के भी। तो मतलब एक ऐसी चीज़ है, इतना अच्छा लगता है कि भगवान के साथ साथ वो लोग अपनी इंडिया को भी प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो कितना सुंदर लगता है। सुबह सुबह काफ़ी अच्छा लगा मुझे और मेरा दिन बन गया आज इन सब चीज़ों को देख के, काफ़ी मतलब दिल को सुकून मिला। एक तो इट्स अ पॉजिटिव डे, तो काफ़ी अच्छा है, मतलब आते जाते लोगों को देख रहा हूँ मैं तो बोल देता हूँ वो जय बम बम बोले, ऐसे बोलते हैं ना, तो मैं बोल देता हूँ बम बोले तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी पॉजिटिव वाइब आ रही है। और अभी पेट्रोल डलवा के अभी कुछ खाया भी नहीं है, लेट्स सी आगे जाके हम क्या खाते हैं। वैसे अभी दाल मोट खाने का, दाल मोट मोट कचौड़ी जो भी है वो खाने का दिल कर रहा था बट समय नहीं, चाय वाय पी के कुछ खाएंगे तो अभी हम आगे जाके फिर खाएंगे। और यार रास्ता इतना सुंदर है, मौसम इतना अच्छा हो रहा है, इतनी बारिश वारिश हो रही है हर जगह, इतना अच्छा लग रहा है और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, आई एम वेरी एक्साइटेड। गाइस ये कार जा रही है सामने और इस पर इस बंदे ने इंस्टा की आईडी लगवाई हुई है, निकल गए, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे हमें देखना है। यस, तो इसने इंस्टा की आईडी इसमें लिखवाई हुई है अपनी कार पर। ये क्या ऑब्सेशन है लोगों का, पता नहीं लिखा भी क्या है, ये समझ में तो आ नहीं रहा है बट फिर भी ये लोगों का क्या ऑब्सेशन है मुझे जानना है। से इंस्टाग्राम का एक और नया फीचर आ गया, पता नहीं क्या है ये थ्रेड्स। और मेरे दोस्त अगर तुमने अभी तक भी थ्रेड्स डाउनलोड नहीं किया है और उस पर आईडी नहीं बनाई है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर नॉट ए फोन एडिक्ट। यस, क्योंकि फोन एडिक्टेड वही है जिन्होंने इंस्टा पे थ्रेड आते ही उसको डाउनलोड कर डाला है, उसकी आईडी बना ली है जो भी है। और अगर तुमने नहीं किया तो तुम फोन एडिक्टेड नहीं हो मेरी तरह, मैंने भी नहीं किया, मुझे पता ही नहीं है ये थ्रेड आया क्यों है, किस लिए आया है और क्या करने के आया है, जिसे देखो जिस बंदे को देखो उसने थ्रेड कर लिया है। तो अगर तुमने भी नहीं किया तो कमेंट में बताना जरूर, तो हम लोग एक जैसे, हम लोग फोन एडिक्टेड नहीं है। गाइज 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 हम लोग आए हैं जैन सिकंदरी वाले के यहाँ पकौड़ा चाय खाने, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, इट्स अ ब्रेकफास्ट टाइम 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 टाइम। मैं सैंडल्स पहन कर आया हूँ आज बिकॉज ऑफ बारिश, बेइज्जती हो गई हमारी, हम गाड़ी में से निकले खाना खाने ब्रेकफास्ट करने जाने के लिए, अंदर जा रहे हो कह रहे हैं बंद है, आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा वेट करने का किसके पास टाइम है। गंजी वाला
ये है चैन चिकनजी वाला, बेकार बंद कर रखा है इसने। अभी मुझे एक लोकल शॉप दिखी है, सोच रहा हूँ इससे कुछ मैं स्नैक्स में ही ले लूँ खाने के लिए, क्योंकि अभी तो बाहर जाने में टाइम लगेगा ना, वहाँ तक जाने में पता नहीं कहीं अच्छा सा रेस्टोरेंट मिलेगा भी चाय पकौड़े खाने के लिए। मुझे चाय पकौड़े खाने हैं इस बार इसके मौसम में। सो गाइस, मेरे सर और शाम में बहुत दिक्कत होती है, तो प्लीज़ इसका मैं ख्याल नहीं रख पाऊँगा, आप लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा। ऐसे बोला जैसे मौसम, तो मैं ऐसे बोल देता हूँ। अभी सारे स्नैक्स, मैं बहुत सारे स्नैक्स ले लेता हूँ और बिल फाड़ दूँगी मिस्टर एक्स के नाम का। ओह, मिस्टर एक्स है अभी, आ भी गए। शॉप वाले भैया को आग लगानी पड़ रही है। एक तो ये कुरकुरे पास्ता मिक्स जो हमने ग्रोसरी से ले आए थे, ये ले लो। और इधर से भी एक मूंग दाल का पैकेट। मूंग दाल का, हाँ एक ये भी ले लो, पंजाबी तड़का ले लो। मूंग दाल और पंजाबी तड़का। सुनाई नहीं देता है, सुनते नहीं है। एक पंजाबी तड़का भी। और हाँ, ये मैंने शॉपकीपर को नहीं बोला है, मिस्टर एक्स को बोला है, इतना ये सुनाई नहीं देता। अब ये लोग, आप लोग ये मत कहने लगना कि छोटी से शॉप वाले से ऐसे बात करते, नहीं गाइस हम ऐसे बात नहीं करते। ये मैंने मिस्टर एक्स को बोला, मिस्टर एक्स ही कर सकते हैं। ये कुछ खरीद लिया मैंने रास्ते के स्नैक्स के लिए, पर खाऊंगा नहीं, बट मैं इनको घर ले जाके खाऊंगा, क्योंकि मेरे उधर मिलता है नहीं, और मिलेगा भी तो छोटा मोटा शॉप पे मिलेगा, मैं उधर जाता नहीं हूँ। ये अब हम चलेंगे आगे ही। फाइनली एक ब्रेकफास्ट करने के लिए हम यहाँ रुके हैं, मन्नत का कनक। ओके, डोंट स्किप गाइज, यहाँ मुझे वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ा है क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट तो कर रहा हूँ, बट यहाँ पे साथ ही में म्यूज़िक काफ़ी लाउड था यहाँ पे, जो कि पंजाबी सॉन्ग्स चल रहे थे। अभी उस पर कॉपीराइट लगने के पूरे चांसेस थे, इसलिए मैंने वॉइस ओवर किया है, बट इट्स ओके, आई नो आप इसको पूरा देखोगे। और यहाँ देखो, ब्रेकफास्ट में मैंने पराठे मंगाए थे, आलू पराठा एंड वन मिक्स पराठा, तो काफ़ी टेस्टी लगे। आलू पराठा उतना बेटर नहीं था, बट मिक्स पराठा बहुत यमी था। मैंने दो मंगाए और दोनों खा लिए चाय के साथ, और मुझे चाय के साथ डिप करके खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो फूड रिव्यू जितना मैंने ट्राई किया उतना तो मैंने आपको बता दिया। कनक का काफ़ी अच्छा है। हम लोग रुके थे जैन सिकंजी वाले के यहाँ भी, बट उसने बोला हमें हाफ एन आवर वेट करने के लिए, तो इतना टाइम तो था नहीं हमारे पास कि हम लोग उतना वेट कर पाते, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया। और वहीं से हमने कुछ प्लांट्स भी उखाड़ लिए हैं, जो हम उनको अपने पॉट में जाकर लगाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी सुंदर लग रहे थे, और मेरे पास काफ़ी सारे पॉट्स भी हैं जो मेरे बंदरों ने ख़राब कर दिए। यम्मी इन माय टमी, ब्रेकफास्ट इतना टेस्टी था, आलू पराठा स्पेशली मिक्स पराठा बहुत टेस्टी था। मैंने दो खा लिए, एक खाया था, एक मंगाया था मिस्टर एक्स ने, एक मंगाया था मैंने आलू पराठा। आलू पराठा इतना टेस्टी नहीं था, जब मैंने मिस्टर एक्स का पराठा टेस्ट किया वो बहुत टेस्टी था, फिर मैंने उसको एक और मंगाया। एंड सॉरी, मैं वहाँ शूट नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ साउंड, वहाँ पे म्यूजिक चल रहा था जो कि लाउड था, और उस पर कॉपीराइट लग जाता, इसलिए। कैसा लगा आपको? आप बोलते क्यों नहीं हो? अच्छा। वैसे तो बहुत बोलते हैं। मेरा डर है, डर, मैंने अपना डर बना के रखा हुआ, इसलिए नहीं बोल रहे हैं, है ना। रास्ता काफी सुंदर है, बारिश हुई है और हर जगह बारिश। हम खाना खा रहे थे और वहाँ न्यूज चल रही थी दोनों साइड, तो एक जगह कुल्लू में कार बह गई, मनाली में बारिश है, बाढ़ का जो भी है कहर है, उसके बाद भी जम्मू कश्मीर में इतनी तेज बारिश है, लेकिन यहाँ हरियाणा में नहीं है। हरियाणा बॉर्डर लगते ही, मतलब दिल्ली बॉर्डर क्रॉस करते ही, यहाँ मौसम धूप निकल रही है। गाड़ी थोड़ी देर धूप में खड़ी करी थी, गाड़ी तप गई है एकदम से, बढ़िया से अंदर बैठते ही कुरकुरे बन जाना था। तो देखो, ब्रेकफास्ट करके निकलो तो हैं, ब्रेकफास्ट भी हैवी हो गया है, और रास्ता भी हमारी मंजिल आधा घंटा दूर है। यहाँ आ चुके हैं हम हरियाणा में, और यहाँ आए हैं हम वैद के पास, जो कि यहाँ मैं आ रहा हूँ 2 साल से, यस मैं 2 साल से यहाँ कंटिन्यूस आ रहा हूँ, मुझे काफ़ी आराम लगता है इसीलिए आ भी रहा हूँ,
क्योंकि डॉक्टर्स को मैंने काफी दिखाया है बट उसे कुछ इलाज नहीं हुआ, बट जब मैं यहाँ आने लगा तो यहाँ पे बेटर मुझे लग रहा है। यस, अभी मैं तो दिखाया हूँ, मिस्टर एक्स गए हैं, वो दिखा कर आते हैं। और गर्मी काफी हो रही है, अब गाड़ी में फोन भी हैंग हो रहा है और मैं भी हैंग हो रहा हूँ। बहुत हीट है, बहुत हीट है, बहुत हीट है गाइस। मैं इंतजार ही कर रहा था मिस्टर एक्स का, एंड यहाँ देखो इतना सुंदर मौसम फिर से होता जा रहा है। बस मेरे सपने, जो मेरे सपने हैं छोटे छोटे, यही पूरे होते जा रहे हैं। मैं आपको वेदर दिखाता हूँ कि यहाँ का वेदर किस तरह से बिगड़ रहा है, बिगड़ रहा है। गाइस सी दिस ब्यूटीफुल वेदर, वेदर या सी दिस ब्यूटीफुल वेदर, वेदर कितना अच्छा लग रहा है ना। अब यहाँ पे अभी अच्छी खासी धूप थी, तब पर गया था मैं गाड़ी में बैठा बैठा, और अभी यहाँ इतना अच्छा मौसम हो रखा है। हरियाणा से निकल गए हम, और पानी उड़ता हुआ देखा है कभी? बारिश इतनी तेज हुई है, ये है यहाँ से पानी निकल रहा है, और ये देखो उड़ते उड़ते देखो कहाँ जा रहे हैं। इतना अच्छा वेदर होता है कभी, और इतनी बारिश बढ़िया। और आपको मैं बादल दिखाऊंगा तो बेहोश मत हो जाना, मैं दिखाता हूँ अभी। ये देखो बादल, बादल कितना काला घना, तो पेड़ आ गए। पानी देखो तुम, पानी उड़ रहा है ऊपर की तरफ, ऐसे पानी उड़ रहा है। ये जबरदस्त बारिश है, रोक लो फिर 15 मिनट रोक लो, मोड़ पे रोकेगी, मोड़ पे रुकेगी गाड़ी 15 मिनट। बारिश 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 बहुत जबरदस्त, बारिश बहुत आए ना सुबह के 12:30 बज रहे हैं, सी टाइम 12:40 हो रहा है, और 12:40 के टाइम पे वेदर देख लो हरियाणा का। गाइस दिस इज माई ड्रीम कम ट्रू वाला सीन है ये, मेरा भी बहुत मन करता था ऐसे दिन में काले काले बादल हो और बारिश हो और मैं चलूँ। मैं एक वीडियो सिंपल सी बना कर डालूंगा शायद स्टार्टिंग में, उसमें सिर्फ बारिश की तुम आवाज़ सुनना, you will relax. Honey, I'm home. Oh, I forgot. I am single. वैसे तो मैं घर आके अपने कपड़े वपड़े भी चेंज कर चुका था, बट सडनली मुझे ये डायलॉग याद आ गया हनी आई एम होम वाला, तो मैंने लगा दिया। सो गाइस मैं घर आ चुका हूँ अब, और बारिश हो चुकी है बंद, एंड सीरियसली वेदर बहुत अच्छा था। वैसे इस वीडियो में मैंने काफी वेदर 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 और वाव बहुत ज्यादा ही बार बोल दिया है। घर मेरा गंदा है क्योंकि मैं सुबह ऐसे ही चला गया था, मुझे थोड़ी सी सफाई वफाई करनी पड़ेगी क्योंकि आई एम OCD पर्सन। यस यू नो यू हर्ड राइट। अब मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हूँ, नहा धो के रेडी तो हूँ बट कहीं जाने के लिए नहीं, घर में रहने के लिए। और आज ऐसा कुछ भी नहीं था, काफ़ी ठीक था, मतलब सबसे पहले आते ही मैंने चेक कर लिया तो मुझे काफ़ी ठीक लगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब बारिश हुई थी तो पूरे ही घर में पानी पानी, मतलब पूरे घर में नहीं बट विंडो से पानी पानी आ गया था, और पानी से पूरा बेड गीला हो गया था मेरा, गद्दे नीचे से गीले हो गए थे, और मुझे उसको जो है ड्रायर से सुखाना पड़ा, पहले वाइपर से पानी निकाला, फिर पोशर लगाया, फिर मुझे उसे वाइपर उसे ड्रायर से सुखाना पड़ा, तब जाके मेरा गद्दा थोड़ा सा ठीक हुआ है। और अभी धूप भी नहीं निकल रही है, कंटिन्यूस बारिश ही हो रही है 1 वीक से दिल्ली में, और आई थिंक ऑल इंडिया ही हो रही है कुछ एक जगह को छोड़कर, बट जो भी था ओवरऑल मुझे आज काफ़ी अच्छा लगा। मैं बाहर गया संडे को, वैसे ज़्यादा स्टार्टिंग में जब मैं अपने घर से आया था तो काफ़ी जाता था मैं संडे को बाहर, बट अब मेरा संडे को आना जाना बाहर बंद हो गया, बीच में बंद हो गया, फिर मैंने अभी 2-3 बार से तो फिर से स्टार्ट सा कर दिया है, क्योंकि मैं पिछले संडे भी गया था, लास्ट संडे भी गया था, उससे लास्ट संडे भी गया था, एंड ये देखो बारिश में मेरे बालों का हाल देख रहे हो। मेरे बालों का हाल बहुत बेकार हो चुका है बिकॉज ऑफ बारिश, और बारिश तो सीरियसली, और मुझे हेयर फॉल भी बहुत हो रहा है, देख रहे हो यहाँ से बिल्कुल टाट मेरी साफ दिख रही है गंजेपन में, और मेरे ये फोरहेड काफ़ी बड़ा दिखने लग गया है इसकी वजह से। गाइज प्लीज सजेस्ट मी सम गुड रेसिपी या फिर गुड शैम्पू फॉर रिकवर
रिकवरिंग ऑफ माई हेयर, बहुत डैमेज हो रहे हैं मेरे बाल, ऊपर से हेयर फॉल तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। हेयर फॉल ने तो बस कसम खा रखी है कि इस बार रुकना ही नहीं है, रुकना ही नहीं है ब्रो, कहीं तो थम जाओ, बहुत डैमेज है। बॉय कट करा लेना चाहिए ना मुझे। आज मैं गाड़ी में बैठा बैठा ये सोच रहा था कि बस बहुत हो गया, मैं कल बॉय कट करवा कर ही आऊंगा। बट सडनली, मतलब सडनली क्या, ये देख रहे हो बाल जैसे आ गए हो, ये देखो ये गंजापन, ये गंजा देख रहे हो बाल, हेयर फॉल। वैसे जो मैं नई चीज ट्राई कर रहा था उससे मेरे न्यू हेयर्स तो आ रहे हैं, यहाँ पे ये हेयर्स नहीं थे, ये न्यू हेयर है, ये बेबी हेयर्स है, ये आ रहे हैं, और ये जो हेयर्स आ रहे हैं ये भी बाद में ही आए हैं उसको ट्राई करने के बाद। अब ये काफी पतला हो गया, अब या तो मैं थोड़े से और हेयर लेके यहाँ तक लेकर आऊं, बट फिर मेरे ये वाले हेयर्स और कम हो जाएंगे, इनका क्या करूंगा, इनका क्या करूंगा, मैं क्या करूं। अब मैं नहा धोकर सिर्फ मॉइस्चराइजर लगाकर बैठा हूं, मैंने एनी मेकअप अप्लाई नहीं किया है। लिप्स पे भी कुछ नहीं लगाया है मैं, आई एम ग्लोइंग, आई एम वेरी हैप्पी। मैं आया था, मैंने घर का काम तो कर लिया, वैसे पोछा मैंने स्किप कर दिया क्योंकि मैं बहुत थक रहा था, मुझे ना वो जैसे जैसे प्लेन में चलने वालों को जेट लैग हो जाते ना, वैसे मुझे आई थिंक कार लैग हो गया। कार लैग हो गया मुझे सारी चीजें घूमती घूमती लग रही है, फील हो रही है। जैसे तैसे मैंने झाड़ू लगा लिया और मैंने शावर ले लिया, बट अभी मैं पोछा तो लगा नहीं सकता था, फिर मेरे को फायदा भी नहीं था, मैं पोछा लगा देता मुझे कल सुबह फिर पोछा लगाना पड़ता है ऑफिस जाने से पहले, तो इसीलिए मैंने फिर नहीं लगाया पोछा, मैं कल ही लगाऊंगा, बहुत दुनिया घूम रही है मेरी गाइज।